हाय गाइस वेलकम बैक टू अर सुपर क्विक रिवीजन हम लोग चैप्टर नंबर टू के अंदर हैं एंड दे इज लॉर्ड ऑफ रिवीजन दैट वी हैव डन बन बहुत सारा काम अभी तक बाकी है ओके okay. हम लोगों ने इन लेक्चर्स के अंदर क्या किया था इससे पहले जो पिछला वाला लेक्चर था वहां पर अपना जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हम लोगों ने एक इन्फीरियर आंसर वो लिखा था क्योंकि वी ऑल हैव टेकन डिमांड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब इट कैन ओनली एज्यूम फ्यू वैल्यूज ओके लेकिन वो गलत है क्योंकि डिमांड कैन अज्यूम एनी वैल्यू तो इसके वी ऑल थॉट लेट्स ट्राई टू बी ट्रीडिंग डिमांड एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल तो इसके लिए फिर अपने को फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत पड़ी जो फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड है तो फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अगर सपोज ग्रुप डेटा होता है तो इट इज समेशन जब भी सी के अंदर थे या सी ए फाउंडेशन के अंदर थे या 11, ट्वेल्थ के अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आता था अभी फ्रीक्वेंसी के बदले में और प्रोबेबिलिटी कम सो दे फोर समीशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वेयर अपॉन समीशन पी और समीशन पी हमेशा वन हो जाता है दैट इज द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ठीक है फिर हम लोगों ने एक चीज वो सीखा हाउ टू बी यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर सब कुछ मीन के आसपास ही घूमता है सो देयरफॉर द कर्व इज लाइक दिस ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे एक्स बार प्लॉट होता है और बहुत सारा एरिया जो होता है वैसे भी एक्स बार के आसपास ही होता है बिकॉज इन दिस केस मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी नियर टू द मीन इट सेल्फ ओके वहां पर z का वैल्यू हमेशा 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 जीरो ही होगा so therefore, यहाँ पर x बार प्लॉट होता है और यहां पर z का वैल्यू इज़ ऑलवेज जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे x का वो सारा का सारा वैल्यूज प्लॉट होगा वेयर x वॉज ग्रेटर okay, जो यहाँ पे लिखा है और यहां पर सारा का सारा वैल्यूज वो प्लॉट होगा वेयर बाय x इज लेसर देन x बार ठीक है पर्टिकुलर थिंग इज डन पूरा प्रॉबेबिलिटी तो टोटल पूरा का पूरा एरिया इज ऑल्सो वन ओके विच इज सिमिट्रिकली डिवाइडेड टू टू पार्ट हाफ एंड हाफ तो जीरो पॉइंट फाइव इधर जीरो पॉइंट फाइव इधर आ जाएगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर जेड जीरो होता है लेकिन इस साइड पे जेड विल ऑलवेज भी पॉजिटिव यहां पर जेड वो जीरो होता है लेकिन इस साइड पे जेड विल ऑलवेज भी नेगेटिव ठीक है आप लोगों को कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी पूछा होता है एन यूर टोल्ड की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो स्टार्ट करो इन दैट पर्टिकुलर केस सबसे पहले यू विल हैव टू बी ट्राइंग टू बी थिंकिंग सर प्रोबेबिलिटी के तौर पे आंसर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी अ अटन एरिया तो आपको वो वाला चीज जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको चाहिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच पर्टिकुलर एरिया जस्ट एनी एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू बी टेकिंग सपोज जो आपका x बार है 10,000 थाउजेंड यूनिट्स है आपको ऐसा वो पूछा गया वट इज द प्रॉबिबिलिटी दैट कंपनी विल बी सेलिंग मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स कुछ भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है तो फिफ्टीन थाउजेंड जो है वो दस हजार से ज्यादा है ओके दस हजार से ज्यादा वाला जो फिगर्स है वो इधर आ जाएगा सपोज आप लोग वो यहां पर एक लाइन बना लेना x इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड अभी क्वेश्चन क्या बोलता है वट इज द प्रॉबिलिटी दैट कंपनी विल बी सेलिंग मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड से ज्यादा बोले तो ये वाला एरिया हो जाएगा ओके तो यू शुड मार्क दिस पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को ये वाला एरिया चाहिए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है पूरे वन के अंदर से ये वाला जो आपका एरिया है ये कितना है ठीक है अभी वो कैसे पता चलेगा अपने को यहाँ पे z1 का वैल्यू वो निकालना पड़ेगा z1 का वैल्यू वो कैसे मिल जाएगा जेड uh, Z1 का वैल्यू विल बी x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन ठीक है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन आईसीए के क्वेश्चन के ना तो दिया ही जाएगा ऑल दो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने तो वो सब कुछ कंप्यूट भी करके देखा था तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन ओके okay, तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस वी ऑल हैड कैलकुलेटेड दिस एंटायर थिंग ऑल्सो तो मैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से तो रिविजन बुक करवा देता हूं दैट विल बी फार 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 बेटर अभी ये वाला जो क्वेश्चन था ना यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी ऑल हैड डन हम लोगों ने एक्स बार जो है निकाला था एक्स बार अगर आपको सम के अंदर वो दिया हुआ है, शादी से next question के अंदर वो दिया हुआ था अगर नहीं दिया हुआ का ठीक है तो वो वाला चीज हम लोगों ने करके आंसर फोर्टीन यूनिट्स आ गया था तो यहाँ पर जो पॉइंट प्लॉट होता है 14,900 वहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा जो एक्स बार था ओके okay, वो मतलब मीन ओके एक्स बार मतलब मीन एंड मीन वाज फोर्टीन थाउजेंड नाइन और वहां का वैल्यू वाज ऑलवेज इन दिस केस जीरो एक्स बार पर Z का वैल्यू हमेशा जीरो हो जाता है फिर हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह थे कुछ ऐसे थे वो कैसे थे वॉट इज अ प्रॉबलिटी दैट कंपनी विल कंटिन्यू टू मेक लॉसेज ओके तो इन दिस केस कंपनी मेक्स अ लॉस नंबर ऑफ सोल्ड वर बिलो ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो है निकाल लिया था वो पंद्रह हजार आया था तो अगर हजार के नीचे बेचोगे तो सबसे पहले मैंने सोचा पंद्रह हजार के नीचे एरिया. तो हजार एक्स बार फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड है then in that case, वाला जो पॉइंट है किधर किधर राइट हैंड साइड पर ही आएगा सो so यहां पर हम लोगों ने एक लाइन वो बना ली थी एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है 15,000 15,000 के के नीचे होगा भी तो के नीचे होगा तो मतलब आई आउट ऑफ एंटायर वन ये वाला okay. उसके ने से वो जो येलो वाला एरिया है तुम्हारे सामने वो तो 0.5 हो ही जाता है तो तुमको बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए ठीक है ये वाले एरिया के लिए तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए x इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड वहां पर जेड का वैल्यू क्या होता है उस z को हम लोग z1 बोल देते हैं और उसका फॉर्मूला ये है हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया ओके okay, z का वैल्यू निकाला और फिर पीछे जाके दे बी टू टाइप्स ऑफ टेबल्स वन गिव्स यू द वैल्यूज फ्रॉम यर टिल गिव यू द वैल्यूज फ्रॉम जीरो जीरो टू द डिजायर वैल्यूड यूटर टेबल गिवस द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जेड जो जो दूसरा वाला टेबल है ना वो देखो सारा का सारा ये वाला वैल्यूज देगा ये वाला सारा का सारा वो एरिया देगा ठीक है लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस जो आपका फर्स्ट वाला टेबल होता है इट ओनली गिवस यू दिस पर्टिकुलर एरिया आप लोग जो भी टेबल देख लेना वो आपकी मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जो आंसर आने वाला है जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है दैट विल बी सेम ओनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने वही वाला पार्ट किया पहले देख लो कि वो वाला चीज़ करने के लिए कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा फिर देख देख लेना वो यूनिट्स के आगे वाला एरिया चाहिए कि नीचे वाला एरिया चाहिए अपन सो ऑन ओके आप लोग जेड वन का वैल्यू निकालो वो वैल्यू जाकर आप लोग अपने टेबल्स के अंदर देखो और फाइनल आंसर निकाल लेना ठीक है This question we exactly did that particular thing and I think we did it around six times, boss. There were six parts of this entire thing. ठीक है तो हर एक जगह पे हम लोगों ने वही वाला पार्ट किया जो क्वेश्चन नंबर 17 था in this case, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्वेश्चन नंबर 16 था बस एक चीज far easier। क्योंकि यहाँ पे एक्स बार भी दिया हुआ था अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ था सो दे फोर आर वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस वर्क क्वेट फास्ट ठीक है Uh, यही वाले जो स्टेप्स हैं ना मैंने यहां पर आई हैव रिटन ऑल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन इफ नॉट गिवन मोस्टली फॉर आई सी एग्जाम दैट विल बी गिवन ओनली इन केस इट इज नॉट गिवन वी डिड अ क्वेश्चन जहां पे वी डन दैट थिंग ठीक है उसके बाद फाइंड द यूनिट्स रिक्वायर्ड टू गेट द आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज जेड वन एट दैट लेवल उसके बाद सिलेक्ट द एरिया दैट यू वॉन्ट एंड शेड इट रेफर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बी केयरफुल विच टेबल यूर रेफरिंग के पास दो टाइप ऑफ टेबल होते हैं एक आपको माइनस इंफिनिटी से लेकर जेड तक वैल्यू देता है और एक आपको जीरो टू जेड का वैल्यू देता है एंड लास्टली इन दिस केस गेट द वैल्यू ऑफ द एरिया दैट यू ऑल वॉट एंड दैट इज नथिंग बट इन दिस केस योर एंटायर प्रॉबिबिलिटी ठीक है क्वेश्चन नंबर जो है एक मिनट ये वाला जो क्वेश्चन था आई कॉल दिस एज अ टू स्टार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन दिस केस वॉज ऑल्सो अ टू स्टार क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो है वो यही वाला क्वेश्चन था दिस इज एग्जैक्टली सेम कुछ करने वाला वो था ही नहीं तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली सेम एज अ प्रीवियस क्वेश्चन इट इज रेप्लिका ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्दो

यहाँ पे दिस क्वेश्चन मेड बाई मी ओनी ओके आई स्टिल कॉल दिस थिंग एज अ टू स्टार क्वेश्चन क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर ट्राई टू क्लब द एक्सपेंसिस जो भी टाइप ऑफ खर्चे तुम्हारे आ सकते हैं ऑल टाइप ऑफ वी ऑल दोड डन कोई भी कॉस्ट अगर पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहता है बाई डिफॉल्ट इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट कोई कॉस्ट अगर लमसम के अंदर सेम रहता है बाई डिफॉल्ट इट विल बी अ फिक्सड कॉस्ट ओके अगर कोई कॉस्ट ऐसा है जो पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहता या फिर जो लमसम के अंदर सेम नहीं रहता देन बाय डिफॉल्ट वी ट्राई टू बी थिंकिंग सम सम पार्ट पार्ट माइट माइट बी बी वेरिएबल ठीक है समिक्स uh, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाले फर्स्ट दो पर यूनिट जो है पर यूनिट जो है वो कॉन्स्टेंट रहते हैं छह हजार यूनिट बेचोगे तो तो भी दस आठ हजार यूनिट बनाकर बेचोगे तो भी दस पर यूनिट सो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट दिस इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट ट्वेल्व थाउजेंड अपन सिक्स थाउजेंड सिक्सटीन थाउजंड ये भी रुपीज टू है जिस अ फॉर्म इज गिवन सेपरेटली और कुछ नहीं है तो ये वाला भी जो कॉस्ट है ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है ऑल्दो तो दिया हुआ है लमसम के अंदर सेम वे ये वाले जो आपके दोनों कॉस्ट थे ये फिक्स थे यहाँ पर तो वन लाख और वन लाख तो दिखाई देता है कि फिक्सड है यहाँ पे एट पर यूनिट बट फॉर सिक्स थाउजेंड सो फोर्टी एट थाउजेंड यहाँ पे सिक्स पर यूनिट बट फॉर एट थाउजेंड यूनिट सो देअ फोर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वॉज अगेन फोर्टी एट थाउजेंड तो लमसम के अंदर सेम है लेकिन ये वाले तुम्हारे दो खर्चे वो ऐसे थे जो पर यूनिट भी सेम नहीं आ रहे और लमसम भी सेम नहीं आ रहे बाई वी ट्राई टू बी थिंकिंग सम पार्ट मस्ट बी फिक्स सम पार्ट मस्ट बी वेरिएबल ठीक है so उसके बाद अगर कोई भी और अजीब अजीब टाइप ऑफ कॉस्ट फिर उसके बाद यहां पे कुछ अजीब टाइप ऑफ कॉस्ट थे जो भी इंस्ट्रक्शनोड पर्टिकुलर ओके एक्सपेंस नंबर नाइन एंड एक्सपेंस नंबर टेन बर लाइक जो भी फॉलो दैट ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर बस वही वाला बात था ताकि यू ऑल गेट लाइक यू नो द टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कोई भी क्वेश्चन वगैरह के अंदर आ सकता है ठीक है सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन एक बार बस मैं पढ़ देता हूं दिस वॉज अ प्रॉब्लम मेड बाई मी जस्ट टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप एक्सपेंसिस इफ एनी कॉस्ट इज फुली वेरिएबल इट मज बी सेम पर यूनिट यू कैन यूज दिस चेज टू फाइंड आउट इफ अर कॉस्ट इज वेरिएफ अर कॉस्ट इज फिक्स एंड बाई डिफॉल्ट लम समी सेम इन एनी अदर केस पार्ट में बी फिक्स सम पार्ट में बी वेरिएबल If there are any types of cause, it is problems you need to explain what is the nature of that cause. ठीक चल। This thing is all done. Okay, फिर उसके बाद तुम्हारा question number 19 had come Okay, 19 के अंदर थोड़ा सा ये अच्छा question था. Although still I tried to be thinking for finals ये शायद थोड़ा सा कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए. Uh, so we call this particular thing as now a one star question. Okay, as a one star question. इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिक्सटी थाउजेंड यूनिट करंटली बना रहा हूँ ठीक है करंटली मेरे को लॉस हो रहा है ओके ऑफ थ्री लाख रुपीज वो हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से कंप्यूट कर लिया था तो करंटली मेरे को लॉस हो रहा है और सामने बोला था कि ब्रेक इवन करो और तुमको एक और ऑर्डर आने वाला है थर्टी थाउजेंड यूनिट्स का तो अगर करंट लॉस थर्टी थाउजेंड है फ्रॉम सिक्सटी थाउजेंड सॉरी अगर करंट लॉस थ्री लाख रुपीज है फ्रॉम सिक्सटी थाउजेंड और सब बोला है कि आप ब्रेक इवन करो तो मेरे को यहां पर थ्री लाख ,00 रुपीज का और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ओके okay. तो एक नया ऑर्डर वो आने वाला है फॉर थर्टी थाउजेंड जो आप लोग एक्सपोर्ट करने वाले हो <coughs> तो उससे आपको थ्री लाख ,00 रुपीज का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ताकि आपका वो वाला लॉस ये वाले प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ वो हो जाए एंड यू गेट इन दिस के जीरो प्रॉफिट मतलब यू ब्रेक इवन ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यू हैड टू बी कोटिंग एफ ओ बी प्राइस एफ एफ ओ बी मतलब फ्री ऑन बोर्ड जो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस होता है दैट इज नथिंग बट द प्राइस अप टू द शिपिंग पॉइंट ओके दैट इज लाइक योर सेलिंग प्राइस ओनली बट अप टू अ शिपिंग पॉइंट सी द कस्टम्स ड्यूटी इन इंडिया तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर वही वाला एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो निकालने का था हम लोगों ने उसको एक्स बोल दिया था तो हम लोग थर्टी थाउजेंड यूनिट्स वो बेचेंगे सो सेल्स वैल्यू ऑफ माई एक्सपोर्ट ऑर्डर विच इन दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन हैज बीन कॉल्ड एफ ओवी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ओके एवरीवेयर इट वॉज कॉल्ड लाइक दैट ओनली ओके तो अपना जो एफओवी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स था विल सपोज टू बी थर्टी थाउजेंड एक्स ठीक है अभी मेरे को सेल्स का वैल्यू चाहिए क्योंकि एंड तो के अंदर मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अभी कॉस्ट के अंदर तुम्हारा एक और खर्चा ही होने वाला है दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट तुम लोग और प्रोडक्शन करोगे सामने नहीं बोला कि और फिक्स कॉस्ट लगेगा ओके okay. तो हम लोग से वेरिएबल कॉस्ट ही लिया दर वॉज वन एट्टी रुपीज अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रॉफिट अपने को चाहिए वो थ्री लैक्स लेकिन अपना कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा क्योंकि मेरे को इस केस के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आएंगे

सो so फोर खरीदने का कॉस्ट इज टेन परसेंट ऑफ योर सेल्स वैल्यू मतलब टेन परसेंट ऑफ एफ ओ बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स थ्री थाउजेंड एक्स के अंदर लाइसेंस वो खरीदोगे अभी उसके बाद दो ऑप्शन है यहाँ उस लाइसेंस को आप हंड्रेड परसेंट प्रीमियम के ऊपर बेच दो मतलब छह हजार एक्स के ऊपर बेच दो सो योर बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी थ्री थाउजेंड एक्स वो एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर वो क्या था आप उस लाइसेंस से आप वो लाइसेंस किसी को दो वो आपको गुड्स देगा फिर आप वो गुड्स को थर्टी परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर बेच दो सो दे फोर थ्री थाउजेंड एक्स फिर उसके बाद उसके ऊपर थर्टी परसेंट मतलब नाइन हंड्रेड एक्स ओके सो आई विल सेल इट ऑफ फॉर थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एक्स उसके से मेरा जो कॉस्ट है थ्री थाउजेंड एक्स का है सो देफ यू आर बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट नाइन हंड्रेड एक्स तो उसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन जो है तैयार कर लिया था एंड दैट इक्वेशन वॉज सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट लेस

जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी था ना ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था भाई क्योंकि यहां पे ना इंडिफरेंस पॉइंट का फंडा आया था इंडिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने मेरे ख्याल से तो लॉजिकली सॉल्व किया था लेकिन एंड के अंदर बी कन्वर्टेड दैट थिंग इनटू अ इक्वेशन तो कॉस्ट इन पॉइंट इज दैट लेवल वेर एवर कॉस्ट ऑफ द टू मशीन विल बिकम सेम ओके और इंडिफरेंस पॉइंट तभी आता है जब एक जगह पे एक कॉस्ट कम होता है और दूसरी जगह पर दूसरा कॉस्ट कम होता है ठीक है तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का जो फॉर्मूला था अल्टीमेटली वी ऑल मेड लाइक दिस दैट इज एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओके नो इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी इक्वल टू इन डिफरेंस पॉइंट आप कोई भी ऑप्शन के लिए तो वो चले जाओ अगर ग्रेटर देन इन डिफरेंस पॉइंट होगा फिर वो वाला ऑप्शन अच्छा जिधर वेरिएबल कॉस्ट कम होता है अगर उससे कम होएगा वो ऑप्शन अच्छा जिधर फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन था ना ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट नो इज़ ऑलवेज बिटवीन टू थिंग्स लेकिन यहाँ पे देवर थ्री मशीन्स मशीन ए मशीन बी मशीन सी तो हम लोगों ने क्या किया मशीन ए और बी के बीच में एक इंडिफरेंस पॉइंट निकाला बी और सी के बीच में एक निकाला फिर उसके बाद ए और सी के बीच में निकाला और उसके बाद फिर हम लोगों ने कंक्लूजन देने के लिए सब कंक्लूजन्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाला था ओके okay. Now, वो जो ओवरऑल कंक्लूजन था दैट इज वॉट एवर इज गुड बी फेचिंग यू मार्क्स तो यहाँ पे तीन इंडिफरेंस पॉइंट आए थे फिर उसके बाद तीनों इंडिफरेंस पॉइंट्स के कंक्लूजन थे और फिर वो सब कंक्लूजन्स को मर्ज करके वी फाइनली फ्रेम्ड इन दिस केस कि हमारे फाइनल कंक्लूजन्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं जब आप वो वाला क्वेश्चन वो रिवाइज वो करते हो वहां पे इट इज ऑल वेरी सिंपल जब आप वो मेगा कंक्लूजन्स वो दे रहे हो ना सारे कंक्लूजन इकट्ठा देखना सारे के सारे कंक्लूजनस तो कई जगह पे ए अच्छा होगा कई जगह पे बी अच्छा होगा कई जगह पे सी अच्छा होगा हाउ टू बी फाइंडिंग आउट विच इज द बेस्ट ऑप्शन ओके तो आप क्या करो दो चीजों को एक बार कंपेयर कर लो उन दोनों के बेस्ट ऑप्शन निकाल लेना उस बेस्ट ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन के साथ कंपेयर करके आप लोग सुपर बेस्ट ऑप्शन निकाल लेना दैट्स इट नाउ वंस यूर डू दिस एंटायर थिंग उसके बाद बस एक चीज जो मैंने सबसे ध्यान से तो वो बोला था कि वो पढ़ना और वो सोचना एंड दैट वॉज मशीन बी मशीन बी सेवेंटी पर ना मशीन ए और सी का इंडिफरेंस पॉइंट आता है लेकिन पर be वो आप भी टेस्ट कर सकते ना। मैंने कैसे बताया था उसके लेफ्ट एरिया के अंदर भी बी अच्छा है उसके राइट हैंड साइड वाले एरिया के अंदर भी बी अच्छा है तो सेवेंटी पर अल्टीमेटली बी इज ऑन द बेस्ट ये जो था वो क्वेश्चन था इन यहाँ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इन पॉइंट नाउ ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन था सॉरी क्वेश्चन नंबर वो ट्वेंटी था ओके तो यहां पर इन डिफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज बिटवीन टू ऑप्शन इन दिस प्रॉब्लम देर आर थ्री ऑप्शन आउट द इन डिफरेंस पॉइंट ऑफ ए एन बी एन सी एंड बी एन सी वी मर्ज ऑल द कंक्लूजन्स टू फाइंड आउट ऑल द कंक्लूशंस वी मर्ज ऑल द कंक्लूजन्स टू फाइंड आउट ऑल द कंक्लूजन ओके दैट वी ऑल कॉल एज अ सुपर बिग कंक्लूजन उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन। ट्वेंटी वन जो था वो तुम्हारा इंटर टाइप वो एक क्वेश्चन था यहां पर टोटल कॉस्ट वो दिया हुआ था और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट जो था बेटा वो दिया हुआ था ओके अभी जो तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट था वो टू लैक्स था टू लैक थर्टी था और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो था टेन थाउजेंड और सिक्सटीन थाउजेंड था एंड दैट टाइम आई हैड आस्क यू ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू टू पार्ट्स दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल तो तुम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया था सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन विल गिव यू द वेरिएबल कॉस्ट ओके बट दिस थिंग विनली बी वर्किंग इफ यर अजम्शन आर मे तो अजम्शन आर मेट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट इन फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट अगर ऐसा है यू कैन यूज योर फॉर्मूला दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी चेंज इन टोल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट ओके इफ दीज अजम्पन्स नॉट मेट तो एक ही ऑप्शन है भाई यू मेक योर इक्वेशन ट्राई टू कम अक्रॉ दी आंसर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन इसलिए किया ताकि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो हमारा है वो सॉल्व हो जाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के अंदर आपके पास ये वाला एक साल का डेटा था आपको नेक्स्ट ईयर के चेंजेस दिए हुए थे और आप लोग वो वाले चेंजेस कर लेना उसके अंदर कोई खास बात नहीं है तो इनफैक्ट फैक्ट uh, ऐसे क्वेश्चन भी वाला डन इन बिगनिंग ओनली इन द रिविजन इट बस एक ही प्रॉब्लम था मेरे को ओवरहेड्स का ना ब्रेकअप नहीं मालूम था इन टू वेरिएबल एंड फिक्स तो मेरे पास एक साल का जो ओवर था वो नाइन लाख रुपीज था इससे पिछले साल का जो ओवरहेज था वो एट लाख रुपीज का था और हम लोगों को उसको ब्रेकअप करना था इनटू फिक्स्ड फिक्स एंड वेरिएबल लेकिन क्वेश्चन के अंदर पंगा क्या हो गया था बीच में एक लाइन आ गया था टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन्फ्लेशन फॉर 2022 थाउजेंड सॉरी फॉ टूड ट्वेंटी थ्री हैजिन फाइव परसेंट मोर देउजेंड एंड ट्वेंटी टू ऐसा एक लाइन आ गया था मतलब उन लोगों ने यह बोला एज कंपेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तुम्हारा टोटल ओवर हेड कॉस्ट इन्फ्लेशन फाइव परसेंट वो ज्यादा था मतलब तुम्हारा टोटल ओवर हेड फाइव परसेंट से बढ़ गया मतलब तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी फाइव परसेंट से बढ़ गया और तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फाइव परसेंट से बढ़ गया यार ना फिक्स कॉस्ट लमसम के अंदर बढ़ता है लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट बढ़ता है तो दैट इज वाई हमारा दोज वर नॉट मेट इसके लिए मैंने यहां पे टाइटल के अंदर भी डाला हुआ था चीप ट्रिक इज नॉट पॉसिबल तो हम लोगों ने यहां पर इक्वेशंस बनाया आंसर लेकर आया एक बार हमको ये वाला जो नाइन लैक्स है उसका ब्रेकअप मिल गया था बाई मेकिंग द इक्वेश फिर हम लोगों ने चेंजेस वगैरह पड़े और हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर का डेटा वो कर लिया उसके बाद एक और पार्ट था फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट दैट वाज वेरी सिंपल कमेंट ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट वो सब कुछ भी बहुत सिंपल था बस कमेंट के ना वन थिंग दैट वी ऑल लेट रिटन दोनों साल का जो डेटा था वो अलग था लेकिन दोनों सालों का हमारा ब्रेक इवन सेल सेम आया था वो इसलिए आया था बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट एंड पी वी रेशियो हैड बोथ फॉलन डाउन बाय द सेम परसेंटेज और जो प्रॉफिट वाला कमेंट था दैट वॉज वेरी सिंपल नो

So we are going to be doing revision lectures on each and every topic that will be done. So therefore towards the end, you will be having all your notes also. You will be having all your videos also. Uh, thank you. If you find these videos, uh, useful, do consider to subscribe to us, like, share and comment. Thank you guys. I'll see you all next time. Bye.